अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हबीबा, हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मांदेली मच्छी का, जिसको बंगाली में बोलते हैं चौचौड़ी, यानी कि मांदेली मच्छी के सूखी सालन। जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ ऐसे छोटे छोटे, मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ, 3 कप तेल। मैंने यहाँ पे राई का तेल ली हूँ, और आप चाहे तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राई का तेल से मच्छी में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हम इसे अच्छे से, इसका जो कच्चा फ्लेवर है उसे हमें रिमूव कर दे रहे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाह करके पचफोड़न। पचफोड़न जैसे ही क्रैकल हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे 1 मुट्ठी भर के प्याज। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही में थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हम पानी। और इस समय हम गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारा प्याज जो है वो ज़्यादा काला पड़ जाएगा। हमें इसे गोल्डन ही रखना है, और पानी देने से इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच भर के रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच से ज़्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, 1 चम्मच भर के मैंने डाली जीरे का पाउडर, और ये 1 चम्मच और मैं डाली हूँ जीरे का पाउडर। अब हम डालते हैं नमक। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालिए। चलिए अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए इसी स्टेज में हम डाल देंगे बारीक बारीक कटिंग की हुई टमाटर, आप अपने हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ, जिसके मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली। अब हम इसे अच्छे से करते हैं, इसकी भुनाई करेंगे हम जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए और मसाले अच्छे से भुन ना जाए। तो देखिए फ्रेंड, जब हमारा मसाला आधा भुनने पर आ जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के कच्चा प्याज। ये आपको ऐसे ही डालना है, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब साथ में हम इसे भूनते हैं। और मैंने देखिए यहाँ पे मांदेली मच्छी ली थी, इसे अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमें लगेगा ना कि हमारा मसाला बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के भूनेंगे। आप भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के भूनिएगा, मसाला जलना नहीं चाहिए। बस इतना कि हमारा प्याज जो है पूरा, मतलब मैशी ना हो, बस सॉफ्ट हो जाए, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। चलिए वापस से हम इसे ढक्कन लगा के भूनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से, पूरे अच्छे से मतलब मिक्स्ड हो चुका है। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, मैंने जो यह मांदेली फिश रखी थी इसको हम डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको नमक तीखा जो भी आपको चेक करना है, इस स्टेज में आप चेक करके फिश को डालेंगे। इसके बाद हम फिश में बहुत हल्के हाथ से और नहीं के बराबर हम इसमें चम्मच लगाएंगे, वरना हमारा जो फिश है ना, मछली है जो, वो टूट जाएगा। और ये कच्चा है तो नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे जैसे ये कुक होगा, टेंडर होगा, तो ये फिर टूटने लगेगा। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में थोड़ा सा डालेंगे पानी। एक बार हम ऐसे करेंगे ताकि तली में पानी चला जाए, तली में। बस अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, इसे इक्वल कर लेंगे हम सब तरफ से। जो भी चम्मच में लगा है, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना इनफ है पानी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च,
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और जो भी था कोथमीर मेरे पास कम था, मैं इसी स्टेज में डाल दी हूँ। अब इसे हम डाल के ढक्कन लगा के धीमे धीमे आँच में हम 5 मिनट पकाएंगे। फिर 5 मिनट बाद थोड़ा चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है। हमें ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं हिलाना है, कोई भी करछी या चम्मच हमें ज़्यादा नहीं लगाना है। हमें सिंपली क्या करना है ना, एक हाथ से पकड़ना है सिर्फ, बस ऐसे चारों बाजू से ऐसे। तो अभी ये तली में नहीं बैठ रहा है क्योंकि नीचे पानी है। बस अब क्या कीजिए, ये शुरुआत लीजिए, ऐसे ऊपर आप डालते जाइए और इसे फिर से वापस ढक्कन ढक के हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। वापस से 5 मिनट के बाद देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और बहुत ही टेस्टी होता है। इसका टेस्टी का जो ट्विस्ट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके वजह से इसको मतलब सूखे चावल के साथ आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब गरम गरम चावल रहे, स्टीम राइस, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए तो उनसे भी मेरी एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को नेक्स्ट रेसिपी क्या देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे सालन का क्या हाल है। देखिए अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुका है। अब सिर्फ हमें हल्के हल्के हाथों से ऐसे ट्विस्ट करना है और कुछ भी नहीं, बस ऐसे मूव करना है। और हमें इसे अब ऐसे खोल के ही इसका पानी को सुखाना है। मच्छी बिल्कुल पक चुका है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार अगर खर्ची चलाएंगे या चम्मच चलाएंगे तो आपको मच्छी टूट जाएगा, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा भले जितना भी टेस्टी बनाओ। तो हम इसे ऐसे ही खोल के इसका पानी सुखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा मच्छी पानी ये होने लगे तो सिर्फ हमें ऐसे उठा के ऐसे सिर्फ घुमा घुमा के अलग अलग जगह से सिर्फ इसे हिलाना है ऐसे पकड़ के। अब हम इसमें खर्ची नहीं लगाएंगे। तो चलिए और वापस से हम सुखाते इसका पानी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे थोड़ा तिरछा रख दी हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मैं जब हिला रही हूँ तो इस बाजू ज़्यादा हिल रहा है, उस बाजू कम हिल रहा है, तो यहाँ वहाँ का पानी सोख गया है। तो इसलिए मैं इसे अब ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके बना रही हूँ। इसे ऐसे टेढ़ा में बनाऊंगी, फिर थोड़ा देर बाद में घुमा घुमा के आपको बता दिखाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मच्छी का सालन देखिए, अब ये बिल्कुल बहुत कम हिल रहा है। अब हम इसे हाई बिल्कुल फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब चम्मच मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, आप देख सकते हैं एक एक मच्छी अलग अलग आपको दिख रहा है। अब इस स्टेज में हम सिर्फ ऐसे 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 मिक्स करेंगे। अब जो इसकी जान है, जिसके वजह से ये इतना टेस्टी लगता है खाने में, वो है आम का अचार। मेरा ये घर का बना हुआ है, आपके पास मार्केट वाला हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले तेल में ऐसे मिक्स करना है, जो तेल होता है ना आम का अचार का, बस वही। अब हम ये लेंगे और इसे ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे, मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ बस। इससे जो आपका जो टेस्ट है ना, बस इसे कुछ करना नहीं है, बस ऊपर ऊपर इसे फैला देना है और बस इसे मिक्स करते रहना है। अभी से इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है ना कि क्या ही बोलूं। ये बहुत ही सिंपल सोवर खाना है। अगर आप चाहें तो इसे बना के एक बार आप रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ, आप ऐसे ढक्कन लगे रहने दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। देखिए बनके तैयार है हमारा डिश। आप सबको कैसा लगा? अगर आप लोग को इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये अचारी मच्छी मसाला बना के आप ज़रूर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं इसे ढक देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर इसी में इन्हांस होकर रहे। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अचारी मच्छी मसाला सर्व कर दी हूँ। देखिए एक भी मच्छी का पीस नहीं टूटा। आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपका भी मच्छी ऐसे ही परफेक्ट बनेगा और बिना फेल किए बनेगा। बस आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो ऐसे बनाइए, बना के अपने घर परिवार, बड़े बुजुर्ग को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।